भजन संहिता 86 उसके 12 और 13 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आमेन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता कि आपने रात भर संभाला प्रभु और एक नया दिन प्रभु हमारे जीवन में दिया परमेश्वर पिता। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आज पूरे दिन की शुरुआत प्रभु जी आपके नाम से करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज के पूरे दिन को आपके सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि प्रभु जैसे आपकी इच्छा प्रभु वैसे आप हमारे जीवन में पूरा करें मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, उन लोगों के लिए परमेश्वर तुझसे दुआ करती हूँ प्रभु जी कि आप अपनी दया अपनी करुणा को प्रभु उन पर प्रकट करें प्रभु जी। आप अपने अति प्रेम को जो प्रेम आपने प्रभु हमसे किया है पिता परमेश्वर उनके जीवनों में प्रभु जी दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु सच में आप भले हैं प्रभु, आप अच्छे हैं, आप अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद हैं प्रभु कि आपने प्रभु दुनिया की भीड़ में प्रभु जी हमें चुना प्रभु और हमें बचाया प्रभु। और धन्यवाद प्रभु आपने हमें अधोलोक की तह में जाने से बचाया परमेश्वर पिता, हमें नाश होने से बचाया प्रभु। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। न जाने कितने लोगों ने प्रभु आज के दिन को नहीं देखा परमेश्वर, प्रभु पर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में हम अपने मन से अपने हृदय से प्रभु तेरी स्तुति तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सच में आपकी दया हमारे ऊपर प्रभु बहुत बड़ी है परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं मेरे खुदावन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जिनको आज कोई नया काम शुरू करना है परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन सच में प्रभु आपके वचन के अनुसार कि आपकी दया बहुत बड़ी है प्रभु, आपकी करुणा बहुत बड़ी है परमेश्वर। आप अपनी दया करुणा को पिता उनके ऊपर रखे प्रभु, जो नया काम शुरू करने जा रहे हैं प्रभु किसी नई उम्मीद के साथ परमेश्वर पिता, आप उनके लिए उन कामों को बनाए परमेश्वर। आप उनके आगे आगे चलकर उनका मार्ग सीधा करें परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हर गलत बातें हर नेगेटिव बातें हर शैतान के काम उनके जीवन से मैं कैंसल आउट करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने हमें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु उन लोगों उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जिनके आज के दिन में एग्जाम्स हैं प्रभु, और कोई नया टेस्ट वो देने जा रहे हैं प्रभु, कोई जॉब के लिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन प्रभु जी आप प्रभु जी उनका सिलेक्शन होने में मदद करें, क्योंकि आपकी करुणा उनके ऊपर बड़ी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये आशीष आपने उनके जीवन में दी है कि प्रभु वो सिलेक्ट हो गए हैं प्रभु, और हर एक गलत बातें उनके जीवन से चली गई हैं प्रभु, उनकी निराशा प्रभु उनकी एक आशा बन चुकी है परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन जो लोग आज के दिन में परमेश्वर रात भर बहुत तकलीफ में रहे प्रभु जी पिता परमेश्वर, बीमारी में रहे परमेश्वर पिता, पर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उन्हें आज का नया दिन दिखाया प्रभु जी। और क्योंकि प्रभु उनके ऊपर भी प्रभु आपकी करुणा बड़ी है परमेश्वर पिता, आप उनकी बीमारियों से उन्हें चंगा करते हैं, आप उनके संग में रहते हैं, आप उनके रक्षक हैं, आप उनके सहायक हैं परमेश्वर। हर एक बीमारी से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु। जितने भी लोग आज के दिन में बीमार हैं प्रभु महसूस कर रहे हैं प्रभु, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ पिता कि आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए यीशु और उन्हें चंगा करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु आप अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए प्रभु, और जो भी प्रभु इस समय बीमार है प्रभु उसे छू लीजिए प्रभु और चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि आपकी करुणा उन पर प्रभु बहुत बड़ी है मेरे खुदावन। जिनके जीवनों में प्रभु जी बहुत सारे दुख हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु जिन्होंने प्रभु अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है परमेश्वर पिता, आपका वचन आज की सुबह में उनसे कहता है कि मेरी करुणा
तुम्हारे ऊपर बड़ी है। परमेश्वर पिता आप प्रभु जी उन्हें उनका दुगना प्रभु उन्हें फेर दीजिए परमेश्वर, दुगना उन्हें लौटा दीजिए परमेश्वर, उन पर दया कीजिए प्रभु, अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपनी भलाइयों से प्रभु जी आप उन्हें भर दीजिए प्रभु। आप उनके टूटे मन को परमेश्वर, उन पर मरहम लगाने वाले परमेश्वर है पिता, आप उनके हृदयों में कार्य कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी अपना घर बना रहे हैं प्रभु, और बहुत सारी विपत्तियां उनके जीवन में आ रही हैं मेरे प्रभु पिता, आप उनके घर को बनाए प्रभु जी, आप उनके लिए प्रभु आशीषों को दीजिए, क्योंकि आपकी करुणा उनके ऊपर बहुत बड़ी है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जो गलत आरोप में फंसाए गए हैं परमेश्वर पिता, और जिनके जीवन में केसेस चल रहे हैं प्रभु, कोर्ट केसेस चल रहे हैं प्रभु, और गलत बातों में वो फंसे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु इन गलत बातों से उन्हें बचाएं प्रभु, क्योंकि एक नया सवेरा आपने उनके जीवन में दिया है, एक बड़ी करुणा को आपने दी है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि आप उन गलत बातों से उन्हें निकाल कर प्रभु जी उन्हें अच्छे स्थान पर रखें प्रभु जी, आप उन्हें इज्जत और सम्मान, जो भी लोग प्रभु एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं परमेश्वर पिता, उनके इन गलत विचारों को उनके जीवन से दूर कर दे प्रभु, और उनको एक अच्छा विचार दे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता जो भी बच्चे और पिता जितने भी लोग आज एडिक्शन में हैं परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन है प्रभु पिता, आप यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उनके लिए दुआ करती हूँ प्रभु कि वो हर एक प्रभु एडिक्शन का बंधन उनके जीवन से टूट जाए। आज की जो नई सुबह उनके जीवन में है वो एक बड़ी करुणा को उनके ऊपर प्रकट करती है, जो कि हमारे परमेश्वर का है पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि जो आपकी करुणा है उनके ऊपर बड़ी है प्रभु, धन्यवाद कि आपने उन्हें हर एक एडिक्शन से आजाद कर दिया प्रभु, हर एक बंधनों से आजाद कर दिया प्रभु जी। जिनके घर में प्रभु कल रात बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ हो प्रभु, आपने आज का नया दिन उनके जीवन में दिया प्रभु, आने वाले इस दिन में परमेश्वर उनके जीवन के लिए प्रभु हम आशीषों को बोलते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने प्रभु उनके जीवन से उस हर एक कलेश को मिटा दिया परमेश्वर, क्योंकि आपकी करुणा उनके ऊपर बड़ी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु जी, और पिता उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, हम विशेषकर धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी हमें बचाया प्रभु, और आज का नया दिन हमें दिया प्रभु। इस बात के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।